हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम मेलनकली, जिसे कंपोज किया है जॉन फ्लेचर ने। पोएम शुरू करने से पहले जॉन फ्लेचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जॉन फ्लेचर एक जैकोबिन प्लेराइट थे। जॉन फ्लेचर द किंग्स मैन नाम की एक नाटक कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। दोस्तों, ये वही कंपनी है जिसके लिए विलियम शेक्सपियर भी लिखा करते थे। विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी प्लेज लिखे हैं इस कंपनी के लिए। शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी होने के कारण फ्लेचर को उतनी फेम नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। फ्लेचर ने फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट व फिलिप मैसेंजर के साथ कोलोबरेशन में अनेक प्लेज लिखे थे। शेक्सपियर की डेथ के बाद वह द किंग्स मैन नाटक कंपनी के लिए लिखा करते थे। जॉन फ्लेचर के कुछ फेमस प्लेज हैं। पहला है द फेथफुल शेफर्डर्स, ये लिखा गया था 1609 में। दूसरा है द वाइल्ड गूस चेंस, जिसे लिखा गया था 1621 में। तीसरा है द वुमन हेटर, जिसे लिखा गया था 1607 में। और एक प्ले और है जिसका नाम है ए किंग एंड नो किंग, जिसे लिखा गया था 1619 में। फ्रेंड्स, ये जॉन फ्लेचर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम शुरू करते हैं आज की ये पोएम। हेंस ऑल यू वेंट डिलाइट्स, एज शॉर्ट एज आर द नाइट्स, वेयर इन यू स्पेंड योर फॉली, देयर्स नॉट इन दिस लाइफ स्वीट, इफ मैन वर वाइज टू सी इट, बट ओनली मेलनकली, ओ स्वीटेस्ट मेलनकली। इस स्टेंजा में कवि एवरी मैन यानी सभी को एड्रेस करते हुए कहता है कि इस लाइफ में आने वाले सभी सुख व्यर्थ है, वह अल्पकालिक है। दोस्तों, यहाँ पर वैन का मतलब है व्यर्थ और डिलाइट का मतलब होता है सुख। पोएट कहता है कि ये सुख उतने ही अल्पकालिक हैं जितने की ये नाइट्स होती हैं, यानी कि ये रातें होती है। आगे पोइट कहता है कि वेयर इन यू स्पेंड यू फॉली, देयर इज नॉट इन दिस लाइफ स्वीट। दोस्तों, यहाँ फॉली का मतलब होता है मूर्खता। देयर इज नॉट इन दिस लाइफ स्वीट, दोस्तों यहाँ पर फॉली का मतलब होता है मूर्खता। स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना, व नॉट का मतलब होता है शून्य। लाइफ में कुछ भी स्वीट यानी अच्छा नहीं है। और ऐसे क्षणिक यानी मोमेंट्री सुख के लिए मेलनकली यानी उदासीपन या एकांतता को छोड़ना मूर्खता होगी। कहने का मतलब है कि समझदार व्यक्तियों को पता है कि मेलनकली ही परमानेंट है। बाकी सुख की वजह से मेलनकली से दूरी बनाना मूर्खता है। समझदार व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करता है। स्टेंजा की लास्ट लाइन में पोइट ने मेलनकली को स्वीटेस्ट कहा है। थॉमस हार्डी ने अपने नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज में एक लाइन लिखी है जो इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल फिट बैठती है। वो लाइन है, हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। इसका मतलब है हैप्पीनेस मोमेंट्री है जबकि पेनफुल मेलनकली स्थाई है। सेम ऐसा ही पोइट इस पोएम के स्टेंजा में कहना चाहता है। दोस्तों, यहाँ ओ स्वीटेस्ट मेलनकली इस लाइन में पोइट ने एपोस्ट्रॉफी यूज किया है। यहाँ मेलनकली को पर्सोनिफाइड किया है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम फोल्डेड आर्म्स एंड फिक्स्ड आईज, ए साइट दैट पियर्सिंग मॉर्टिफाइज, ए लुक दैट्स फास्टेंड टू द ग्राउंड, ए टंग चेंड अप विदाउट ए साउंड। इस स्टेंजा में पोइट मेलनकली को इन्वॉल्व कर रहा है। वह मेलनकली का वेलकम करता है। पोइट यहाँ पर एक मेलनकोलिक ह्यूमन की कंडीशन कैसी होती है यह पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पियर्सिंग का मतलब होता है भेदने वाला और मोर्टिफाइज का मतलब होता है अवनमित करना। पोइट कहता है कि मेलनकोलिक मैन यानी कि दुखी व्यक्ति इस दुनिया के विभिन्न नज़ारों को देखने को उत्सुक नहीं रहता है। वह एक तरह से सेल्फ सेटिस्फाइड है। वह अपनी आर्म्स यानी भुजाओं को फोल्ड किए हुए जमीन में आंखें गड़ाकर बैठता है। उसे इस वर्ल्ड से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है।
इसलिए वह कुछ बोलता नहीं, मानो उसकी जुबान को चैंड अप यानी फोर्सफुली साइलेंस्ड कर दिया गया हो। ऐसा व्यक्ति अपने सभी बॉडीली एपेटाइट्स व पैशंस का भी डिनाइल यानी त्याग कर देता है। सीधे शब्दों में समझे तो न तो उसे इस दुनिया को देखने की और ना ही किसी सुंदर वस्तु को छूने की इच्छा है, क्योंकि इसे पता है कि ये सभी खुशियाँ व सुंदरता क्षणिक है, मोमेंट्री है। अतः वह वास्तविकता में जीते हैं। कौन? ये मेलनकोलिक ह्यूमन। नेक्स्ट, फाउंटेन हेड्स एंड पाथलेस ग्रोव्स, प्लेसेस विच पेल पैशंस पैशन लव्स, मूनलाइट वॉक्स व्हेन ऑल द फॉल्स आर वार्मली हाउस्ड सेव बैट्स एंड ओल्स, ए मिडनाइट बेल ए पार्टिंग ग्रॉन, दीज आर द साउंड्स वी फीड अपॉन। दोस्तों, यहाँ पाथलेस का मतलब है दुर्गम, पथविहीन। ग्रोव्स का मतलब है ट्रीज यानी पेड़, फॉल्स का मतलब है बर्ड्स, और ग्रॉन का मतलब होता है कराहना या पीड़ा। आगे पोइट बताता है कि ऐसे व्यक्ति कहाँ कहाँ घूमते फिरते हैं, अर्थात क्या क्या करते हैं। ये दुर्गम जगहों पर घूमना पसंद करते हैं, जैसे कि पाथलेस यानी पथविहीन जंगलों में, तथा ऐसे जंगलों में जहाँ फाउंटेन हेड्स होते हैं, अर्थात जहाँ से झरने निकलते हैं। ऐसे निर्जन जगहों पर एकांतवास में रहना इनको अच्छा लगता है। ये पेल पैशन, अर्थात इनका जिंदगी में कुछ पाने का जुनून फीका पड़ गया है। पेल पैशंस होता है पहले रहने होता है फीका, पैशंस होता है जुनून। ये केवल एकांत व प्रकृति को ही चाहते हैं। ये व्यक्ति रात में मूनलाइट में विचरण करते हैं, जब सभी प्रकार के फाउल्स यानी बर्ड्स अपने घोंसलों में सो जाते हैं, केवल बैट्स एंड ओल्स यानी चमगादड़ व उल्लू जब रात में घूमते हैं, उसी समय मेलनकोलिक व्यक्ति भी वॉक करते हैं। इन्हें केवल मिडनाइट बेल अर्थात मध्य रात्रि को इंगित करने वाली ध्वनि तथा पार्टिंग ग्राउंड बिछड़ने के विकल्प की दुख भरी आवाज़ ही इनको अच्छी लगती है। इन्हें पक्षियों की सुंदर आवाज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, अर्थात ये संसार की क्षणिक सुंदरता में विश्वास नहीं करते हैं। दुख जो कि स्थाई है, वो ही इनके आनंद का एकमात्र स्रोत है। लास्ट लाइन्स हैं, देन स्ट्रेच अवर बॉन्स इन ए स्टिल ग्लूमी वैली, नथिंग सो डेंटी स्वीट एज लवली मेलनकली। दोस्तों, यहाँ पर ग्लूमी का मतलब होता है उदास, वैली का मतलब होता है घाटी, डेंटी का मतलब होता है सुंदर। आगे पोइट कहता है कि जब ये संसार में दुख पीड़ा देखते हैं, कौन? ये मेलनकलिक पर्सन, ये मेलनकलिक इंसान जब संसार में दुख पीड़ा देखते हैं, तो इनको एहसास होता है कि इन्होंने मेलनकली को अपनाकर कितना सही किया है। और अंत में कवि कहता है कि मेलनकली जितनी प्यारी और अच्छी भावना इस संसार में दूसरी कुछ और है ही नहीं। दोस्तों, यहाँ ग्लूमी वैली वर्ल्ड यानी संसार के लिए यूज हुआ है, जहाँ सभी लोग इस ग्लूमी वैली यानी संसार में एक्सपेक्टेशंस के कारण परेशान रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में मेलनकोलिक व्यक्ति जिन्हें किसी भी प्रकार की किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो कितने खुश होते हैं। कुछ भी संसार में इतनी डेंटी यानी सुंदर चीज़ नहीं है जितनी कि मेलनकोली है। फ्रेंड्स, इन लाइन्स में शेक्सपियर की एक कोटेशन जो इस पॉइम पर एकदम फिट होती है, वो है, ऑफ्ट एक्सपेक्टेशंस फेल्स एंड मोस्ट ऑफ देयर वेयर मोस्ट इट प्रोमिसेज एंड ऑफ्ट इट हिट्स वेयर होप इज कोल्डेस्ट एंड डिसअपीयर मोस्ट फिट्स। अब आप इस कोट का मीनिंग वह ये शेक्सपियर की किस प्लेस से हैं, ये कमेंट करके बताएं। इसी के साथ आज की ये पोएम खत्म होती है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।